हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नया वीडियो के साथ। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है हिबिस्कस प्लांट। अगर आपका एक हिबिस्कस प्लांट में सिर्फ पत्ते ही नज़र आ रहे हैं लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करूँगा कि कैसे आप लोग अपने हिबिस्कस का जो प्लांट है उसमें बहुत सारे फूल ला पाएंगे। तो मेरा ये एक हाइब्रिड वैरायटी का हिबिस्कस प्लांट है जिसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक जो है बड आया है, लेकिन एक बड इसमें नहीं है, बहुत सारा बड से, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी बड से, यहाँ पे भी बड से, पूरा प्लांट में जो है बड भरा पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसका ऐसा क्या केयर करता हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा अच्छी तरह से जो है बर्ड्स आ रहे हैं और अच्छी तरह से फूल भी हो रहे हैं। लगातार रोज़ दिन में 3-4 फ्लावर तो दे ही रहा है ये प्लांट मेरा। तो गाइस, हम लोग कैसे अपने एक हिबिस्कस के प्लांट में जो है अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा फ्लावर ला सके, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और वीडियो में आप लोग आगे बने रहिए कि कैसे फ्लावरिंग करना है, कैसे प्लांट का ग्रोथ किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं स्पेशली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है हिबिस्कस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को गाइस हम लोग शुरू कर लेते हैं। हम अपने प्लांट को ग्रो तो कर लेते हैं, अच्छी तरह से उसे बूशी भी बना लेते हैं, फर्टिलाइज़र देके, लेकिन हम लोग उसे कैसे जो है उसमें बहुत सारे बर्ड्स लाए, उसमें फ्लावरिंग करें, ये हमें पता नहीं होता है। तो गाइस, क्या हम ऐसा क्या करें कि इस प्लांट में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बर्ड्स आए और भी जो है पूरा एकदम फूल से भर जाए। हालाँकि इस प्लांट में बहुत बर्ड्स है, लेकिन इस छोटे से प्लांट में हम लोग कैसे और ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई हिबिस्कस का प्लांट है और उस पर हम लोग हेवी फ्लावरिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर और जरूर देखना है। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसा एक फर्टिलाइजर बताऊंगा जिससे आपका पूरा प्लांट एकदम से फूल से भर जाएगा। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली फर्टिलाइजर पे आ जाता हूँ। तो गाइज, अभी आप लोग जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं पिंक कलर का, ठीक है, ये फर्टिलाइज़र, इसे आप लोग कह सकते हैं अमृत कह सकते हैं, स्पेशली फॉर एनी प्लांट्स फॉर ब्लूमिंग। ठीक है, फ्लावर ब्लूमिंग के लिए आप लोग इसे एकदम से अमृत कह सकते हैं। तो अमृत जो होता है, इसका हम लोग यूज़ कैसे करें कि हमारा प्लांट पे जो है खराब असर इसका ना हो, सिर्फ हमें अच्छी असर ही मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे मैं बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, तो गाइज, ये जो फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हो, इसका नाम है पोटाश। इसे MOP भी कहते हैं, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। इसका कलर है एकदम सॉल्ट की तरह है, रेड है और वाइट है। मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, ये मॉनसून का मौसम चल रहा है इसीलिए थोड़ा आपको गीला गीला दिखेगा। ठीक है, तो इसका नाम मैंने बताया आपको पोटाश। तो इसे हम लोग कैसे अपने प्लांट में दे, इस हिबिस्कस में हो गया या फिर आपके पास अगर अदर कोई प्लांट है तो उसमें हम लोग कैसे फ्लावरिंग कर सकते हैं इसके मदद से, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस, ये जो पोटाश है, ये स्पेशली एक केमिकल फर्टिलाइजर है। ठीक है, आपको बताता हूँ कि ये केमिकल फर्टिलाइजर है। और केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग जब यूज़ करते हैं अपने प्लांट के ऊपर, तो हम लोग को कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों के बारे में अलर्ट भी रहना पड़ता है। हम लोग इसे कैसे अपने प्लांट में यूज़ करेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसके प्रिकॉशंस के बारे में बताऊँगा। तो गाइज, हम लोग को आइसक्रीम का चम्मच मिल जाएगा, मैं चम्मच आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक आइसक्रीम का चम्मच है। ठीक है, छोटा सा। तो इस आइसक्रीम चम्मच का हम लोग जो लेंगे एक चम्मच, तो गाइज इस आइसक्रीम चम्मच का एक चम्मच हम लोग लेंगे इस प्लांट पे, और एक चम्मच हो जाएगा शायद, ये देख लेते हैं, रुकिए, एक चम्मच लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच सिर्फ, और इस प्लांट में जो है दे देंगे अच्छी तरह से, इसे जो है दे देंगे पूरी तरह से देना। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं मिट्टी को जब खूस दूंगा तब ये पूरी तरह से प्लांट में जो है चला जाएगा। तो गाइस, इस पोटाश को देने के बाद आपके पास अगर कोई लकड़ी है या फिर कुछ चम्मच वगैरह है या फिर कुछ भी हो जिससे आप लोग इस मिट्टी को थोड़ा उठा सके, इससे थोड़ा खोद सके, तो उससे आप लोग, उसकी मदद से आप लोग मिट्टी को थोड़ा खोद लीजिए, अच्छी तरह से खूस लीजिए मिट्टी को। तो गाइस देखिए, मैंने अच्छी तरह से जो है मिट्टी को खूस लिया है। हालांकि अभी अभी मेरे प्लांट जो हमारे यहाँ पे बारिश हुआ है इसीलिए मिट्टी पूरा भीगा हुआ है। ठीक है, तो गाइस मैंने इसे तो अपने प्लांट में जो अच्छी तरह से डाल दिया है पोटाश को। अब पोटाश क्या करेगा काम, प्लांट में पोटाश देने के बाद प्लांट में एक बहुत ही अच्छा चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। इसके 7 से 10 दिन के बाद आप लोग दिखेंगे कि प्लांट में
जो आपका, अगर आपके पास कोई बड है प्लांट में वो अच्छी तरह से फूट नहीं रहा है, अच्छी तरह से ब्लूम नहीं हो पा रहा है, तो इस पोटस के मदद से वो और भी बड़ा होगा फूल। आपके प्लांट में जो भी फूल आएगा, इसी बिस्कस में जो भी फ्लावर आएगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूम करेगा, बहुत ही बड़ा होगा और इसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइज आप लोग अपने प्लांट में इसे 7 से 10 दिन के बीच में एक आइसक्रीम चम्मच का एक चम्मच लेंगे और अच्छी तरह से प्लांट में जो है अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पूरा पानी से जो है इस टब को आप लोग फुल कर देंगे। मेरा अभी तो बारिश हुआ है, फिर भी मैं इसे थोड़ा सा पानी से अच्छी तरह से फिल कर दूंगा। तो इसके बाद आप लोग क्या चेंजेस देख पाएंगे, तो आप लोग खुद ही देख पाएंगे आपके प्लांट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड्स आएंगे, प्लांट और भी ग्लो करने लगेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने प्लांट में अच्छी तरह से एक भारी ब्लूमिंग ला सकते हैं इस पोटस के यूज़ करने से। तो गाइस आप लोग खुद अपने प्लांट में पोटस को यूज़ कीजिए। थोड़ा प्रिकॉशंस मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी यूज़ मत करना। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग को अगर अप्लाई करने के बाद प्लांट में कुछ भी ज़्यादा मतलब चेंजेस आए, यानी कि जो है पत्ते जल जाए या फिर प्लांट थोड़ा मुरझा जाए, तो उसे सुबह और शाम पानी से नहला दीजिए अच्छी तरह से, यानी नॉर्मल पानी से नहला दीजिए, तो प्लांट का जो है स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से आप लोग को अगर कोई खराब इफेक्ट मिले, मुझे नहीं लगता कि कोई खराब इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा डोज में दे देंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ खराब इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने जो भी कहा उसे ही आप लोग फॉलो कीजिए। आइसक्रीम चम्मच का आप लोग एक चम्मच, और एक चम्मच ही डालें, उससे ज़्यादा मत डालिए कभी भी प्लांट में, और 10 दिन के गैप में ही यूज़ करें। तो अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्सअप भी कर देना। और प्लांट रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहता है। आप लोग मेरा और भी हिबिस्कस के जो पहले वाला वीडियो है उसे आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। तो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।